बिलेनियर या माइंड कंट्रोल? पैसा तो बहुत है मेरे पास, चलो माइंड कंट्रोल टेस्ट करते हैं। हाय टोनी। हाय लोकी। क्या मुझे स्कूल तक लिफ्ट दोगे? नहीं ऐसे। तुम मुझे लिफ्ट दे रहे हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। टोनी तुम इस बार फेल हो गए हो टेस्ट में। क्या, मैं और फेल? सर जरा दोबारा चेक करिए। अरे हाँ, तुम तो पास हो गए हो। हेलो सर, मुझे ये वाला फोन चाहिए। सर 2,00,000 रुपए। आप मुझे ये फ्री में दे रहे हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। ओए टोनी, तू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना? उसमें समझना क्या है, वो तो मैं हूँ ही। अच्छा तो जाके नताशा को जीएफ बना के दिखा। बस इतनी सी बात, चल देख। हाय। हेलो। क्यों, तुम मेरी जीएफ हो ना? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? शकल देखी अपनी। इमोशनल डैमेज। अबे ये कैसे हो सकता है? क्या आपको पता चला? कमेंट करके बताइए। डैड ये कैसा बार है? बेटा तुम्हें लोगों को हंसाना होगा वरना तुम मर जाओगे। क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, अगर हर घंटे में तुमने किसी को नहीं हंसाया तो ये बार लेफ्ट की तरफ मूव होगा। भाई यार मुझे किसी को हंसाना होगा वरना मैं मर जाऊंगा यार। मुझे और थैनोस को तो चीजों को सूंघना है। क्या भाई ऐसे? थैनोस सुन, मुझे तुझे एक जोक सुनाना है। हाँ सुना। एक बार एक कुत्ता एक कुतिया को डेट पर लेकर गया और पता है उसने वहाँ पर क्या बोला? क्या? कुछ भी, कोई सेंस है इस बात का? टोनी ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। अरे ये गिफ्ट किस लिए? अरे वो मेरा टास्क है ना, लोगों को गिफ्ट बांटना। बाय। अरे सुनो तो, क्या थोड़ा सा हंस सकते हो? सॉरी ब्रो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अबे यार सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बताओ क्या करना है? कुछ नहीं, बस मेरे जोक्स पर हंसना है। वैसे क्या तुम्हें पता है इसकी एक ट्रिक भी है? क्या क्या मतलब तुम्हारा? देखो तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारे लिए कमेंट में एक एक जोक लिख सकते हैं, इससे तुम्हारा बार अपने आप बढ़ जाएगा। गाइस आप लोग फटाफट आयरन मैन के लिए एक एक जोक कमेंट करो। डैड ये क्या है? बेटा ये शो करता है कि इस टाइम तुम्हें कितने लोग देख रहे हैं। ओ अच्छा, ओके मैं स्कूल जा रहा हूँ। बाय डैड। ओके बेटा बाय। सब लोग वेलकम करो टोनी का न्यू क्लास में। हेलो। जाओ टोनी तुम पीछे बैठ जाओ। ओके सर। क्या 10 लोग? कौन है यार ये लोग? हाय तुम न्यू स्टूडेंट हो ना? अगर तुम्हें कोई कॉपी वगैरह चाहिए तो मुझे बताना, मैं किसी से भी दिलवा सकता हूँ। ओके। सुनो बेटा घर का ध्यान रखना, मैं और तुम्हारी मॉम पार्टी में जा रहे हैं। ओके डैड। हेलो बेटा हम लोग पहुंच गए हैं, घर ध्यान से लॉक कर देना। ओके डैड। टोनी आज तो तुम्हारा एग्जाम है ना? हाँ डैड मुझे पता है, वैसे भी हमारे यहाँ सबको प्यादा ही मिला है तो मुझे भी वही मिलेगा। ऐसे मत बोलो बेटा, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अमीर जरूर बनोगे। हाँ डैड देखते हैं। ओए पता है कल मेरा एग्जाम था और मुझे प्यादा मिला। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारी फैमिली में कोई किंग नहीं है? अरे सब किंग है यार, वो मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी एग्जाम की, मुझे लगा एग्जाम बहुत इजी होगा। अबे गधे। ओए कैप्टन चेकमेट, लाओ अपने सारे पैसे मुझे दो। भाई यार ये तो मैं कैंटीन में खाना खाने के लिए लाया था। चुपचाप दे दे, मैं किंग हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपका एग्जाम है, आज आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे है, आज इस एग्जाम से पता चलेगा कि आप किंग बनोगे या फिर प्यादा। सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? बेटा किंग जो होगा ना वो प्यादा को चेकमेट बोल के सारी चीजें ले सकता है। क्या मतलब किंग कभी भी किसी को लूट सकता है? हाँ, और अगर प्यादे ने मना करा तब ये गेम का सिस्टम उसे गेम से बाहर फेंक देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस एग्जाम के लिए रेडी होंगे, तो आपके पास है सिर्फ 60 मिनट्स। गाइस आपको क्या लगता है आयरन मैन को क्या मिलना चाहिए, राजा या प्यादा? टोनी बोलो। जय जय। तुम गेम में फंस गए। ट्रूथ और डरे गेम में आपका स्वागत है। आपको 5 ट्रूथ और 5 डरे को कंप्लीट करना होगा और अगर आपने सारे डरे कंप्लीट कर लिए तो आपको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। तुम अपना कोई सबसे बड़ा झूठ बताओ। एक बार मैंने ना लोकी को चॉकलेट केक बोल के गोबर खिला दिया। समुद्री डाकू को पेन कैप से मारो। चलो बच्चों सब लोग पेज नंबर 85 खोलो। ये किसने मारा? अरे टोनी भाई तुम कितने दिन से भूखे हो? 2 दिन भाई, आज लास्ट डे है। यार मैंने तो क्विट कर दिया ये गेम, मुझसे नहीं हो पाएगा। यार मैं तो ऐसे क्विट नहीं कर सकता, मेरी इतने साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। अपने बगल वाले लड़के को थप्पड़ मारो। हे लोकी। टोनी क्या कर रहे हो? बस लास्ट डे का वेट कर रहा हूँ। अरे वाह मैं भी अपने लास्ट डे का वेट कर रहा हूँ। अरे एक सेकंड, मेरा और तुम्हारा डे तो सेम है। टोनी कितने वर्ड्स मिले हैं तुम्हें? डैड 10 मिलियन। वेरी गुड, अब तुम अपना उधार चुका पाओगे। ये क्या हो रहा है? अरे ये कैसे हो सकता है, तुमने फिर से अपने पूरे वर्ड्स खो दिए। भाई पता है इसको 10 मिलियन वर्ड्स मिले थे बट जैसे इसने बोलना चालू करा इसके वर्ड्स ही गायब हो गए। हाँ क्योंकि कोई इसकी बकवास नहीं सुनना चाहता है। टोनी अब क्या होगा? अरे वाह वर्ड्स वापस मिल गए डैड। सुनो ऐसा करो जल्दी से अपने सारे वर्ड्स मुझे दे दो, जैसे ही तुम्हारे वर्ड्स खत्म होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ ये सही है डैड। हाँ तो पहला पेज कौन पढ़ेगा? टोनी तुम पढ़ो।
अरे तुम्हारे तो वर्ड्स खत्म हो गए। डैड मैं आ गया। अरे टोनी वर्ड्स फिर से मिल गए। हाँ डैड। कोई नहीं जल्दी करो ये वर्ड्स भी मुझे दे दो इससे पहले कि गायब हो जाएं। हे देखो मेरे न्यू शूज। इतना महंगा तुमने कैसे खरीदा? क्या कहा तूने? वर्ड्स खत्म हो गए। क्या हुआ टोनी? अच्छा तुम्हारे वर्ड्स गायब हो गए और बेटा तुमने जो मुझे वर्ड्स दिए थे वो भी गायब हो गए हैं। टोनी सोच समझ कर चूज करना। आयरन मैन को क्या चूज करना चाहिए कमेंट करके बताइए। डैड क्या आप मुझे अपनी वॉच दे सकते हैं? हाँ बेटा ये लो। थैंक्स डैड। इन्होंने तुम्हें बचपन में किडनैप कर लिया था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं डैड मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या हुआ टोनी तुम इतने सैड क्यों हो? अबे यार जो मेरे डैड है वो मेरे रियल डैड नहीं है, उन्होंने मुझे बचपन में किडनैप कर लिया था। ये क्या बोल रहे हो तुम? छोड़ो भाई जरा पानी की बोतल देना। हाँ ये लो। थैंक्स ब्रो। ये स्पाइडी की ग्रैंड माँ को पसंद करता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। टोनी ये लो खाओ। थैंक्स ब्रो। ये तुम्हारा सौतेला भाई है। चलो बच्चों अपना कॉपी पेन निकालो आज हम लोग एक गेम खेलेंगे। ओ शिट यार आज तो मैं पेन लाना ही भूल गया। कोई बात नहीं बेटा ये लो मेरा पेन। थैंक्स सर। निक फ्योरी ही तुम्हारे रियल डैड है। काश मुझे कोई तगड़ी जॉब मिले। तुम्हें लोगों के सीक्रेट्स एक्सपोज करने हैं। अरे वाह यही तो चाहिए था। हाय टोनी तुझे कौन सी जॉब मिली है? लोगों के सीक्रेट्स एक्सपोज करने की। अरे वाह यार कोई सीक्रेट पता चला? अभी नहीं। समुद्री डाकू के बाल नकली हैं। बट मैं इसे एक्सपोज कैसे करूं? अभी तुझे पता चला अपने समुद्री डाकू गंजे हैं? हाँ यार वो विग पहनते हैं। हाँ यार पर ये बात पता कैसे चली? अबे मुझे पता है तेरा ही काम है। अरे वो अबे मुझसे तो झूठ मत बोल। हाँ अबे वो मैं ही था। अबे मुझे एक और सीक्रेट पता चला। क्या क्या मुझे बता। रुक जा अभी पता चल जाएगा। यार ये किसी ने अफवाह फैलाई है मैं बेड पे सुसू नहीं करता हूँ। यार ये तो इतना भयंकर सीक्रेट है। क्या क्या हुआ? अबे सभी एवेंजर्स मिलके मुझे मारना चाहते हैं। अब तो तेरे फैंस ही तुझे बचा सकते हैं। स्कूल तो पूरा खाली हो गया है अब मजा आएगा ना भिड़ू। सर ने पेपर इसी में रखा होगा अब तो सिर्फ मैं ही टॉप करूंगा। ओबे साली छुट्टी तो कब की हो गई तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार वो सर ने मुझे होमवर्क करने के लिए दिया था इसलिए रुका हूँ। एक सेकेंड और तू पेपर चुरा रहे है ना? मैं सर को बताऊंगा। अरे भाई सर को ना बताना यार हम दोनों लोग 50-50 कर लेंगे दोनों लोग टॉप करेंगे। ओए ओए 50-50 क्या मुझे भी दिखाना पड़ेगा वरना मैं सर को बोल दूंगा। अबे यार चल अच्छा ठीक है तू भी देख लेना। अरे यार गाड़ी की चाबी तो क्लास में ही भूल गया। हे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा पेपर चुराने आए हो मुझे भी दिखाना पड़ेगा। अबे यार मैंने तो सोचा था सिर्फ मैं ही टॉप करूंगा अब तो इस सब के सब टॉप करेंगे क्या फायदा हुआ मेरा पेपर चुराने का। ना स्कूल बंद होने के बाद भी इतने सारे बच्चे। अच्छा तो ये एग्जाम के पेपर चोरी कर रहे हैं। पेपर तो मुझे पहले से ही आता है पूरा। बदल दिया पेपर अब मजा आएगा जब बच्चे दूसरा पेपर देखेंगे एग्जाम में। टोनी अपना फूड कैप्सूल ले जाना ना भूलना। हाँ डैड मैंने रख ली है। गुड बच्चों आज हम लोग 2023 के बारे में पढ़ेंगे। सर वही वाला ईयर ना जब लोग खाना खाते थे। यस और ये फूड कैप्सूल उसी के नेक्स्ट ईयर इन्वेंट हुआ था। सभी लोग जल्दी से अपनी कैप्सूल खा लो। सर वैसे लोगों ने खाना खाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उस समय लोगों को खाना बनाने और खाने में बहुत टाइम वेस्ट होता था और अब देखो बस एक कैप्सूल खाओ और अपने काम में लग जाओ बिना कोई टाइम वेस्ट करे। कैप्टन पता है आज मेरे डैड ने क्या बताया? क्या? अभी भी एक जगह है जहाँ से हम लोग फूड खरीद सकते हैं। फूड मतलब कैप्सूल नहीं ना? हाँ लेकिन हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा। देखो लोग इसे ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं। अभी ये तो बहुत बड़ा है। हाँ चलो चले। ओ तुम दोनों गधे के बच्चे शायद तुम दोनों फूड की तलाश में हो। यस वैसे मेरे पास एक चीज है जो तुम दोनों को पसंद आएगी उसका टेस्ट तो आहा। टेस्ट लो इसे ट्राई करो। ये क्या है? इसे कुरकुरे बोलते हैं। ओ टोनी नहीं मत खाओ इसे। ओ मेरे फेवरेट टेढ़े मेढ़े। मिस्टर घोस्ट क्या मैं कुरकुरे खा सकता हूँ? नहीं पर तुम इसे नीचे फेंक सकते हो। अरे कुरकुरे सब मेरी बात ध्यान से सुनो सबको कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछना होगा। मिस्टर घोस्ट क्या मैं घर जा सकता हूँ? यस गो। मिस्टर घोस्ट क्या मैं टोनी को एक थप्पड़ मार दूं? हाँ क्यों नहीं। क्या मिस्टर घोस्ट क्या मैं पानी पी लूं? नो बिल्कुल नहीं। अरे भाड़ में जाओ तुम मैं तो पीऊंगा। क्रिस मत पियो। जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। टोनी ये घोस्ट बहुत कुत्ता है मैं इसकी वजह से सुबह से भूखा हूँ। अरे डैड मत बोलिए वो हमें सुन सकता है। मिस्टर घोस्ट क्या मैं डैड को पानी दे दूं? नो तुम बस उसे इस तरह तड़पते हुए देखो।
डैड ये देखिए मुझे फेमस मिला है, क्या मैं सच में फेमस हो जाऊंगा? ये सब बेवकूफियत है, तुम कभी फेमस नहीं हो सकते हो, समझे? बेचारा, मुझे तो इस पर तरस आता है। सेम यार, मुझे भी। इसके पास वैसे भी कोई टैलेंट नहीं है, ये क्या फेमस होगा? ये क्या कर रहे हो टोनी? अरे डैड, वो मैं आयरन मैन मूवी के ऑडिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फिर तुम शुरू हो गए, इससे कुछ नहीं होने वाला, बस तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ओके नेक्स्ट। हेलो सर, मैं ऑडिशन के लिए आया हूँ। कट, आपका ऑडिशन हो चुका है, आप जा सकते हैं। अबे यार, किस किस को उठा के ले आते हो तुम लोग? ए, चलो बाहर निकलो। क्या हुआ टोनी, इतना सैड क्यों हो? यार मुझे नहीं लगता कि मैं कभी फेमस हो पाऊंगा। अरे भाई तू एक काम करना, अपना एक यूट्यूब चैनल खोल, लोग देखेंगे और तुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। ये वीडियो डाला तो है यार, बट लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे अपने आयरन मैन को, बस वीडियो देखेंगे और चले जाएंगे।